से मैंने पुरानी साड़ी ली है, ये जॉर्जेट वाली साड़ी है। अगर आपके पास कॉटन वाली साड़ी है तो और भी अच्छा है, नहीं तो अगर इस तरीके से जॉर्जेट वाली है तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर एक कॉटन के फैब्रिक की लेयर लगाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये एक साड़ी ली है मैंने, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं ये साइडों से, ये पूरी लंबाई में है तो हम इसे पहले पूरा तय लगा लेते हैं। तो जितनी बड़ी आपने शीट बनानी हो इस तरीके से उतना आपको इसे फोल्ड करना है। तो मैंने इसे अभी दो बार फोल्ड कर लिया, एक बार मैं इसे और फोल्ड कर लेती हूँ 3 टाइम। तो मैंने थोड़ी छोटी बनानी है तो मैं इसे ज़्यादा फोल्ड कर रही हूँ, अगर आपने बड़ी बनानी है तो आप दो साड़ियों को ज्वाइन करके बना सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने फोल्ड कर लिया और फिर मैंने इसे एक और फोल्ड कर लिया इस तरीके से। ये मैंने साड़ी को अच्छे से फोल्ड कर लिया, तो देखिए काफ़ी अच्छी थिकनेस में मेरी साड़ी इस तरीके से फोल्ड हो गई है। अब हमें इस क्या चाहिए, क्योंकि ये जॉर्जेट वाली साड़ी है तो इसके ऊपर मैं एक कॉटन कपड़े की लेयर लगाऊंगी। तो उसके लिए कोई भी आपके पास कॉटन का कपड़ा पड़ा हो, पुरानी चादर पड़ी हो, वो आप इसमें यूज़ करें। ये देखिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है सेम इसके साइज़ का, जितने भी बड़ी भी आप बनाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। ये सेम इसके साइज़ का ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर इसकी लेयर लगाने के लिए कॉटन का कपड़ा सेम इसके साइज़ का लिया है ताकि हम इसके ऊपर कॉटन की लेयर लगाएं। तो अगर आप एज अ बेबी शीट यूज़ करें तो बच्चे के लिए वो थोड़ा सॉफ्ट हो, तो ये काफ़ी सॉफ्ट बनता है क्योंकि अंदर साड़ी है, साड़ी भी काफ़ी सॉफ्ट सी है और उसके ऊपर ये कॉटन। और हमें क्या चाहिए, इसके नीचे हमें लगाने के लिए इस और इसके नीचे की तरफ बेस की तरफ लगाने के लिए मैंने इस तरीके से प्लेन कपड़ा लिया है मैचिंग, आप कोई भी ले सकते हैं, चादर सेम चादर का भी ले सकते हैं। ये मैंने इस कपड़े से यहाँ से 4-4 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे किया। एक बार बिछा के सबसे नीचे ये बिछाना है, उसके बीच में ये और सबसे ऊपर हमें ये रख, ये देखिए इस तरीके से। ये साड़ी वाला है जो नीचे वाला कपड़ा लिया मैंने, हर एक तरफ से इसे अप्रॉक्सीमेट 4-4 इंच एक्स्ट्रा लिया, 4-4 इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा लिया। तो जितना भी आपका ये बनाना चाहते हैं उससे जो बेस वाला कपड़ा है वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है, आप पुरानी बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरीके से कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, तो हर एक तरफ से 4-4 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब आपको करना क्या, सबसे नीचे हमने ये कपड़ा रखा, ऊपर हमने बीच में इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से साड़ी को रखा, उसके ऊपर जो हमने दूसरा कपड़ा कट किया है पर ये जो मैंने कॉटन का कपड़ा काटा था इस तरीके से इसे रख लेना है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया, 1, 2, 3। अब आपको क्या करना है, पहले हम इसमें सुई और धागे से कच्चा कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते हुए हमारा ये हिले नहीं। तो अब हमें करना क्या है, अब आपको करना क्या है, इसे फोल्ड करना है इसके ऊपर इस तरीके से, यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए हमारी ये पट्टी सी बन जाएगी इसके ऊपर। फोल्ड करने के बाद किसी भी सुई और धागे से इसे आपको पहले बड़े बड़े टांके लगाने पड़ेंगे इसमें, फिर हम इसमें आगे सिलाई मशीन से इसे करेंगे। तो इस तरीके से सुई, अगर आपके पास पिन है तो आप पिन लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से सुई और धागे से हम इसे पूरा कच्चा करेंगे। सिंपल इसे यहाँ से फोल्ड करते हुए इसे कच्चा कर लीजिए, बड़े बड़े इसमें टांके लगा लीजिए। ये देखिए यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक मैंने सिल लिया। उस कॉर्नर पे मैं आपको बताती हूँ कि वहां से हमें टर्न कैसे लेना है और कॉर्नर कैसे बनाना। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब यहाँ से आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, 1 फोल्ड। उसके बाद इसे इसके ऊपर को फोल्ड करना है और यहाँ से इसे फोल्ड कर देना इस तरीके से, और यहाँ से आपको कच्चा करना है। इस तरीके से अब सेम यहाँ से लेके पूरा इसे एंड तक कच्चा करते हुए चारों तरफ से आपको इसी तरीके से हाथ से कच्चा कर लेना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हम इसके सिलाई लगाएंगे, वो भी मैं बताऊंगी कि आपको सिलाई मशीन में क्या चेंजेस करने हैं। ये मैंने पूरा इसे हाथ से कच्चा कर लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ साइड साइड पे इसके पे आपको पूरा सिलाई मशीन से सिलाई लगानी है, सिर्फ कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे, यहाँ से लेके
यहाँ ऊपर की तरफ नहीं ले जानी है क्योंकि हमने फोल्ड किया हुआ है तो ये खुलेगा नहीं हमारा। यहाँ पे फिर यहीं से टर्न ले लेना है और एक हमें इसमें बस सिलाई लगानी है। सिंपल सिलाई मशीन पे बनाऊंगी। यहाँ पे आपको हमारे नंबर्स होते हैं तो आपको 5 पे रखना है। सिंपल हैंड वाली मशीन है, मैंने इसमें इस तरीके से पैर वाली मशीन मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इसे 5 नंबर पे आपको रखना है और यहाँ पे जो आपको नीडल लगानी है वो आपको लगानी है 18 नंबर की। तो बस यही दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ 18 नंबर की नीडल होनी चाहिए और ये आपका 5 पे होना चाहिए सिलाई लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे इसे रखें, सिंपली हम इस पर सिलाई 5 नंबर पे बहुत ही ईजिली आपकी इसमें सिलाई लग जाती है। ये देखिए बहुत ही ईजिली यहाँ पे हमारी देखिए बिल्कुल साइड में आराम से बिल्कुल सिलाई मशीन पे सिलाई लग रही है। तो पूरा इस पर सिलाई लगाते हुए वापस आपको यहीं पे आना है। तो जैसे हमने कच्चा किया है सेम उसी तरीके से सिलाई लगाते हुए वापस यहीं पे आ जाइए। देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली, सारी सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से ये मेरा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए फ्रंट साइड इस तरीके से, यहाँ से ये बैक साइड से बना है, दोनों तरफ कॉटन है तो बिल्कुल परफेक्ट है। और अंदर हमने इसके साड़ी फिल की हुई है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। ये हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बच्चे के नीचे बिछाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेबल मैट यूज़ कर सकते हैं, एज अ एरिया रग फ्लोर मैट यूज़ करना है उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। ये मैंने छोटे साइज़ में बनाया है, आप इसे थोड़ा बड़े साइज़ में बनाएं तो आप सर्दियों में इसे ओढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।